अब जो हमारे अगले ख़तीब हैं वो किसी तारुफ़ के तो मोहताज नहीं हैं, अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब। आप सदर हैं वर्क यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज। ये वर्क के वर्कर्स के आपको बहुत यूट्यूब पर सोशल मीडिया पे दिख जाएंगे, हर कार्य खैर में, हर अंदाज के कार्य खैर में, जहाँ ज़रूरत होती है किसी भी तरह की कुदरती आफत या किसी और वजह से, तो वहाँ वर्कर्स हमें नज़र आते हैं वर्क के। आप सेक्रेटरी हैं हिंद भाईचारा समिति, सेक्रेटरी हैं ह्यूमन वेलफेयर बोर्ड और सेक्रेटरी सर्व धर्म संवाद मंच के। अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक मौलाना शम्स नवेद उस्मानी मरहूम के पसंदीदा शागिर्द हैं। आपने अमनो आश्ती और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी यानी इंटरफेथ डायलॉग्स के लिए, उनके फ़रोग के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। मौसूफ़ को तमाम बड़े मज़ाहिब और फ़िरक़ों और उनके सहाइफ़ का गहरा इल्म है, यानी जो स्क्रिप्चर्स हैं दूसरे मज़हबों के, चाहे वो वेद हों या तोरा या बाइबल, आपको उनसे गहरा इल्म है। आप मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों और मसालिक के माबेन दूरियों को ख़त्म करने के लिए जाने जाते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं, उनके बीच में किस तरह से हम सॉल्वेंसी पैदा कर सकते हैं। अल्लामा सैयद अब्दुल तारिक साहब मुस्लिम और गैर मुस्लिम हलकों में यकसा तौर पर मकबूल हैं, और उसकी वजह पता है क्या है? जो मुसलमान होता है वो हर जगह मकबूल होता है। तो ये हमारे लिए भी सबक लेने की बात है, क्योंकि जब अल्लाह के अहकामात पे आप चलने लगते हैं तो आप मनपसंद होते चले जाते हैं। जैसे जैसे आपके तकवे के मदारिज बढ़ते चले जाते हैं, लोगों के दरमियान आपकी पसंदीदगी बढ़ती चली जाती है। ये वही रास्ता है जो रसूल मकबूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपनाया और वहाँ तक पहुँचे कि तारीख़ उनको अपने वक्त का ही नहीं बल्कि हर वक्त का बेहतरीन इंसान मानती है। वजह क्या थी? जो यूनुस 15 बताती है कि मैं पैरवी नहीं करता मगर सिर्फ वही की, आई जस्ट फॉलो कुरान। वही कुरान जो उम्मत मोहम्मदिया में इन्वर्टेड कॉमास में जुज़दानों में लिपटा हुआ ऊपर रखा हुआ है, ना समझ में है ना अमल में। ख़ास तौर से आपकी मकबूलियत जिन इदारों में है, संस्थानों में है, सनातन धर्म, गायत्री परिवार, आर्य समाज, इस्कॉन, सर्वधर्म स्वाध्याय परिवार समेत बहुत से हिंदू फ़िरक़ों के अलावा ब्रह्मा कुमारी, निरंकारी मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी, ईसाई, बौद्ध, जैन और सिख भी अपने यहाँ मदु करते रहे हैं, और इन गैर मुस्लिमीन के 100 से ज़ायद प्रोग्रामों में बतौर सदर या मेहमान खुसूसी शिरकत की है। आपकी तसनीफ़ात यानी राइटिंग्स आपकी, आपकी तकरीरें, स्पीचेस टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुफ्तगू, लोगों में मोहब्बत, हरम और हम आहंगी के असरात मुरत्तब करने में बहुत कारगुजार साबित होती है। यानी इसको मैं आसान जबान में ऐसे कहूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो आपकी स्पीचेस हैं, क्लिप्स हैं, मैं देखता हूँ, आप देखें, उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव मैसेजेस होते हैं और बहुत कारगर होते हैं। मैं तो पूरी एक फ़ाइल मेंटेन रखता हूँ अपने फोल्डर्स में। आपको मुतअद्दिद गैर मुस्लिमी तंजीमों जैसे अयोध्या की रामानम ट्रस्ट, ब्रह्मा कुमारी और साउथ कोरिया की आलमी अमन तंजीम ने मुख्तलिफ अवार्ड से भी नवाजा। मैंने मुतअद्दिद ममालिक में मुख्तलिफ अमन कॉन्फ्रेंसों और बैनुल मज़ाहिब डायलॉग और सेमिनारों के लिए मदू किया गया है, जहां उन्होंने बरतानिया के वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला से भी मुलाकातें की हैं। एक अरसे से आपके हफ्तावारी दर्स कुरान का सिलसिला जारी है। आपकी तफसीर साइंसी और रैशनल होने के बाइस मुल्क और बैरून मुल्क के तालीम याफ्ता हलकों में बहुत मकबूल है, क्योंकि इसमें असर हाजिर से कुरान मजीद के रब्त की तफहीम होती है। यानी कुरान से जो रिश्ता है कंटेम्प्रेरी नॉलेज का, आज के ज़माने के मसाइल का, आप उसको एड्रेस करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आदमी की गिरफ्त कुरान पे भी हो, कुरान फहमी पे भी हो, ज़बान पे भी हो और मौजूदा मसाइल पे भी हो, और यही कैफियत होती है उन साहिब इल्म लोगों के लिए जिसके कुरान कहता है कि यही अल्लाह के बंदों में से हैं इल्म वाले जो अल्लाह से डरते हैं। गुज़िश्ता 22 सालों से जुमे की नमाज की इमामत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। कोविड के बाद से आपके ऑनलाइन जुमे के खुतबात गैर मुस्लिम भी खासी तादाद में बराह रास्त सुनते हैं। आपके आज का मौजू है बहुत अहम है कि कुरान एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये जो तनाव भरी हमारी ज़िंदगी है
اس میں قرآن ہماری کس طرح سے مدد کرتا ہے. میں نہایت ادب سے درخواست کرتا ہوں علامہ سید عبداللہ طارق صاحب سے کہ تشریف لائیں. السلام علیکم. الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عباد الذی اصطفا. محترم خواتین حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے کئی غلطیاں ہو گئیں. سب سے پہلے یہ کہ اس موضوع کا انتخاب جو ابھی آپ کے سامنے ہے, اور پھر دوسری یہ ہوئی کہ آپ نے جانتے ہیں آپ سب, اور یہاں بھی آپ نے دیکھا ہے, اور ہر ایک آپ میں سے غالباً جانتا ہے کہ بے انتہا کتنی ہیوملٹی اور انکساری ڈاکٹر حسن پرویز صاحب نے مجھ سے کہہ دیا کہ یعنی کہلوا دیا کہ آپ کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے, خود طے کر لیجیے. تو میں اور میں بہرحال آپ کی تو انکساری کی بات تھی اور میری ناسمجھی تھی, میں نے کہا ڈیڑھ گھنٹہ. تو پھر کل شام کو ظاہر ہے کہ سلاٹ میں وقت میں گنجائش نہیں نکل رہی ہوگی, پلان کر رہے ہوں گے. تو آپ نے بہت بہت دبے زبان میں کے انداز میں کہلوایا کہ بھائی اس سے پہلے 40 منٹ وقت تھا, اب ایک گھنٹہ لے لیں. بڑا بوجھ اتر گیا میرے اوپر سے, اس لیے کہ 4-4.5 گھنٹے سے کوشش کر رہا تھا لگاتار کہ 1.5 گھنٹے میں کیسے کروں اس ٹاپک کو جو 2.5 گھنٹے کا ہے. میں نے 1.5 کہہ دیا. جب بات آئی 1 گھنٹے کی تو بڑا آسان ہو گیا میرے لیے, میں نے اگلے 15 منٹ میں اسے ٹھیک کر لیا 1 گھنٹے میں لانے کے لیے. تو بہت شکریہ, اور بہت شکریہ ڈاکٹر نورینا پروین کا, بڑی اچھی بہت اچھے اصول بہت اچھے مضبوط انداز میں یہاں پر رکھے آپ حضرات کے سامنے. اور بالکل جو ہے آپ کا خاصہ ہے, بہت بڑی خوبی ہے ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کی, کہ بڑی اہم باتیں یہاں پر ظاہر ہے قرآن کے تعلق سے ہر بات اہم ہی ہوتی ہے آتی ہیں, اور آپ اس کو فوراً کنیکٹ کر دیتے ہیں گراؤنڈ سے, ہمارے ماحول میں ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. یہ کنیکشن بہت اہم ہے, اور یہ کیا آپ نے. اسٹریس ہم سب کا مسئلہ ہے, پورے سماج کا مسئلہ ہے, مسلمانوں کا مسئلہ ہے, غیر مسلموں کا مسئلہ ہے, حکومتوں کا مسئلہ ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے آزاد ہو. اور سب سے زیادہ اس کے 2 مین فیچرز ہیں. ابھی یہاں پر آیت آپ کے سامنے آئی تھی نا, جس میں تھوڑی سی توجہ بھی دلائی تھی اس کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے ڈاکٹر نورینا نے, خوف اور غم نکل جائے گا ان لوگوں کی زندگی سے جو اللہ کی پسند کے مطابق اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی چلائیں گے. یہ خوف اور غم بہت بڑے کلرز ہیں, جائنٹ کلرز ہیں دونوں. خوف کی بنیادیں مستقبل میں ہوتی ہیں, خوف باہر سے آتا ہے. ابھی کوئی واقعہ کوئی ایونٹ ہوا نہیں, ڈرنا شروع ہو گیا. یہ بدنیتی کی فوری سزا خوف ہوتی ہے. کچھ سوچا, کچھ کرنے کا ارادہ کیا, خوف شروع ہو گیا. طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں, کہیں چھاپا نہ پڑ جائے, میرے خلاف سازش کر رہا ہے, جادو کرا دیا, چل رہی ہے مجھے ڈسمینٹل, مجھے اپنے یہاں پہ ڈسپلیس کرنے کی سازش چل رہی ہے. ہو سکتا ہے نہ ہو ان میں سے کچھ بھی, لیکن انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ٹینشن جو ہیں یہ جڑ پکڑ لیتے ہیں, اور غم اندر سے آتا ہے انسان کے اپنے اندر سے. خوف کی بنیادیں مستقبل میں ہوتی ہیں, غم کی بنیادیں اپنے اندر ہوتی ہیں حال میں. ہمارے سوچنے کا انداز کا جو بیلنس اور توازن, جب وہ بگڑتا ہے وہ توازن اور وہ عدل اور وہ بیلنس جس کی طرف رہنمائی دین نے کی ہے, قرآن نے کی ہے, جب وہ بگڑتا ہے تو وہ عدم توازن کی کیفیت وہ چیزیں پیدا کرتی ہیں جسے ہم حزن کہتے ہیں یا غم کہتے ہیں. یہ بھی جائنٹ کلر ہے, اور پھر یہی بڑھتا ہے تو پھر ہمارے یہاں یہ سے اسٹریس کہلاتا ہے, ہمارے یہاں انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے. آج کل تو بچے بھی ڈپریشن کے مریض ہونے لگے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. بہت سمپل چیزیں ہیں جو میں رکھ رہا ہوں, اور یہ بہت معمولی بہت سمپل چیزیں ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, اور یہ رہنمائی قرآن کی ہے. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11-13 کا بھی جب یہاں تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا, بظاہر بہت معمولی باتیں اور بہت سمپل چیزیں ہیں,
लेकिन पूरे माशरे के इस्तेहकाम की बुनियादें हैं वो, पूरे माशरे को डिसमेंटल कर देने और बम्बार्ड कर देने वाले जैसे जरायम हैं जिनको हम कुछ समझते ही नहीं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है, जैसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मुमकिन है कि आप इनमें से बहुत सौ को इतनी अहमियत नहीं दें, लेकिन मैं थियोरिटिकल नहीं रख रहा आपके सामने, मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात रख रहा हूँ कुरान से लिए। और कितनी ही लोग ऐसे हैं कि जो वाकई टेंशन फ्री हो गए, या कम अज़ कम वक्ती तनाव या वक्ती प्रॉब्लम्स जो हैं उसके ऊपर उनको उन्होंने कंट्रोल कर लिया, और बहुत अहम अपने किसी एक्सपीडिशन मुहिम के ऊपर कहीं जा रहे थे और फिर उनके टेंशन थे उसी वक्त ख़त्म हो गए। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें थी जिनका ख्याल रखें, नज़रअंदाज नहीं करते हैं। उसमें सबसे पहली है कुरान जिधर तवज्जो दिलाता है, थैंकफुलनेस, शुक्रगुजारी। बहुत अहम आए थे, बार बार सुनी होगी आपने, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफ़ुरून, शुक्रिया अदा करो तुम। ये यूजुअल है, जिक्र का मतलब है याद, हमारे यहाँ फिर भाई उर्दू का मफहूम बदल गया है जिक्र का मतलब, जिक्र का मतलब याद करना या याद दिलाना, वो कुछ जो बीड्स है उनके ऊपर उंगलियां चलाना या कुछ विर्द करना, उसे जिक्र नहीं कहते। यानी याद तो दिल के अंदर होती, याद रखना और याद दिलाना। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा, यानी कितनी बड़ी बात है अल्लाह की तरफ से, कितनी बड़ी एश्योरेंस है कि मैं याद रखूंगा, मैं याद करूंगा तुम्हें। वश्कुरूनी वला तकफुरून, इसका ख्याल रखना, यानी इस हिस्से को तो बल्कि पहले पढ़ लें कि तुम शुक्रिया अदा करते रहना, ना शुक्री मत करना, ये इस तब तुम मेरी याद कर पाओगे और मैं फिर तुम्हें याद रखूंगा। और उसने आपको याद रखा तो फिर कहीं नहीं अटकेंगे, कोई स्ट्रेस करीब नहीं आएगा। बात यह है कि वो याद रखे, और क्या क्या इस सिलसिले में करना है, मैं शुक्र के सिलसिले में जल्दी जल्दी चंद चीज़ों से गुजरूंगा जो बहुत कही है कुरान में। बहुत बड़ी एश्योरेंस है ये अभी जो आपके सामने है, बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है कि लेने का अल्लाह से तीर बहदफ तरीका, ये नुस्खा एक बता दिया, जगह जगह होते हैं ना कि ये ऐसे नुस्खे के जिसे मुजर्रब कहते हैं कि भाई ये करो तो ये होगा, यहाँ हो सकता नहीं, एश्योरेंस दी अल्लाह ने कि लाजमन होगा, होकर रहेगा, अल्लाह से लेने का तरीका है। वाइस्तान और अब लाइन शकर तुम, अल्लाह ने इज़्न आम कर दिया, ऐलान कर दिया, ये इज़्न आम कर दिया तुम्हारे रब ने, लाइन शकर तुम, अगर तुमने शुक्रिया अदा किया, ला अज़ीदन्नकुम, ये लाम लाम जबर ला, अगर हम अलिफ लगा देते हैं ला, उसके माने होते हैं नहीं और माने पलट जाते हैं, लाम जबर ला, लाम जबर ला का मतलब लाजमन ऐसा ही होगा, ला अज़ीदन्नकुम, हम लाजमन नेमत में इजाफा करेंगे तुम्हारे लिए। ये इतनी यकीन दहानी, इतनी एश्योरेंस के साथ में अल्लाह ने यह फरमाया कि मैं लाजमन ला अज़ीदन्नकुम, मैं लाजमन बढ़ाता चला जाऊंगा नेमत, तुम शुक्रिया तो अदा करो। वला इन कफ़रतुम, अगर ना शुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर फंस जाओगे और उसके बाद फिर तुम तड़पते रहोगे, बहुत शदीद अल्लाह का बड़ा सख्त अज़ाब होगा। यानी यहीं के अज़ाब की बात हो रही है, दुनिया के अज़ाब की, इसलिए कि शुक्र नेमत को बढ़ाने की बात भी यहीं की है ना, तो ये सज़ा भी सज़ा की बात भी यहीं की हो रही है। तो आप, मैंने बहुत मरतबा ये कहा लोगों से, कुछ कराता हूँ कभी कभी कुछ एक्सरसाइजेस, आज पिछले दो दिन में कितनी नेमतें आपके हाथ आई, अल्लाह ने क्या क्या दिया इन दो दिनों के अंदर, लोग सोचते रहते हैं बहुत देर, मैं कहता हूँ लिखिए पेपर पेन सामने रखवा के नोट कीजिए, किसी ने कोई एक चीज़ लिख ली, किसी ने बहुत, तीन से आगे कोई नहीं पढ़ता, पूछता हूँ परेशानियाँ कितनी आई, मसाइल कितने आए पिछले दो दिन के अंदर, तो खटाखट खटाखट वो 10-15 तो फौरन माँ इकट्ठे हो जाते हैं, वो 10-15 फौरन इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद सोच सोच के फिर एक आध और बढ़ता है उसके अंदर। अरे अल्लाह ने आपके साथ में सब बुरा ही बुरा किया है, तो हर एक कलम लेकर बैठे और कागज कलम लेकर बैठे और सोचना शुरू करे तो जो इनामात हैं, जो नेमतें, वो याद नहीं आती, याद नहीं आती। अल्लाह ने कहा याद करो, याद नहीं आती, शुक्रिया कैसे अदा करोगे, एक्टिंग करेंगे फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी तस्बीह शुरू कर देंगे कि शुक्रिया अदा कर रहे हैं अल्लाह का, ये तो एक्टिंग है। लोग धोखा खा जाते हैं, किसी से कहा कह दिया उससे थैंक यू, उसे अगर ये मालूम हो जाए कि अंदर नहीं है बिल्कुल, ये तो सामने से कह दिया इसने, तो फिर ज़रा सा भी अप्रिशिएट नहीं करेगा।
वो दिलों का हाल जानता है, उससे कह रहे हैं रोज थैंक यू, उसके ऊपर दानों के ऊपर हजारों दफा जो है वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर है ही नहीं कहीं पर शुक्रिया, अंदर शिकायतें ही शिकायतें हैं। ये जानते हैं क्या होता है, कैसे हैं उनका, बस ठीक है अल्लाह ने अल्लाह का बड़ा एहसान करम है, बस हैं ठीक है गुजर रही, या आप अल्लाह की शिकायत करते हैं बंदों से। और कुरान कहता है जानते हैं क्यों हुआ था ये तुम्हारे साथ, कहता है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, मा असाबकुम मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम फबिमा कसबत अयदीन नास, तुम्हें जो परेशानी आती है जो भी, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, कहीं फैसले डिसीशन गलत होते हैं, कहीं तुम इम्प्लीमेंट गलत तरीके से कर जाते हो। तो ये जब उसके अंदर, तो फिर उसके बाद उससे निकलने के लिए ठीक है कोशिश करना, एफर्ट करते रहना, लेकिन नेमतें बेशुमार, यानी उनसे जो सबको मिली हैं पूरे कायनात के अंदर हर इंसान के ऊपर, आप में से जितने यहाँ बैठे हैं बिला इस्तेसना, मैं नहीं जानता ना लोगों को यहाँ पर चंद के अलावा, लेकिन इतनी बात जानता हूँ बिना इस्तेसना कि एक भी ऐसा यहाँ पर नहीं है जिसके पास चंद ऐसी नेमतें ना हो जो किसी और को नहीं मिली, जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपकी अपनी। हम शुक्रिया अदा नहीं करते उसका, और शुक्रिया अदा करने का मतलब जैसे मैंने कहा ना, जबान से कहने को कोई शुक्रिया नहीं होता, शुक्रिया का एहसास दिल के अंदर होता है, वो शुक्रिया का एहसास फिर कदरदानी की तरफ लेकर जाता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो हर पॉइंट इसके अंदर बहुत तफसील से कहने का, वह इंतू नहमत ला तो सूहा नेमत, यहाँ वाहिद में कहा है अल्लाह की एक नेमत शुमार करना चाहो उस एक नेमत को नहीं गिन पाओगे, बाकी को तो छोड़िए बहुत छोटी थी। मैं तो यहां पर जितनी मेरी थोड़ी सी मालूमात है, मैं पानी के बारे में मैं कुछ कहना शुरू करूं तो उसके ऊपर अच्छा खासा वक्त निकल जाएगा, जितना थोड़ा सा मैं जानता हूं, फिर जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और दूसरे साइंटिस्ट हैं वो बताएंगे उससे बहुत आगे की बातें, और फिर वो सब नहीं जानते जो और जानते चले जाएंगे जो अल्लाह ने उसके अंदर रखा है। पानी ऐसा अकेला, ऐसा लिक्विड अकेला ऐसी चीज जिसके अंदर हर चीज जो है तकरीबन हर चीज डिसॉल्व हो जाती है, बेहतरीन सॉल्वेंट है पानी जो है, वो टेस्टलेस होता है, अगर टेस्टलेस नहीं होता तो आपको खानों में जायका ही नहीं आता, बनाते कुछ नमक और दूसरे मसालों का जायका कुछ और है, और पानी जो मिला दिया आपने तो कुछ और हो गया। पानी ऐसी चीज है कि सिर्फ पानी अकेला ऐसा लिक्विड है, यानी अकेला एलिमेंट है कि जो बाकी चीजें जो हैं वो जब सॉलिड हो जाती है, सॉलिडिफाई ठंडी होके, तो फिर वो नीचे बैठती हैं और एक्सपैंड करती हैं और ऊपर आती हैं, गैसेस जब गर्म हो जाती हैं, पानी जब ठंडा होता है बर्फ बन जाता है तो ऊपर आ जाता है, बर्फ हल्की होती है, और बाकी पानी ये सिर्फ पानी के अंदर है। तो फिर समंदर के अंदर जो पानी, जैसी सख्त बर्फ जिन इलाकों के अंदर सख्त सर्दी पड़नी शुरू होती है, वहाँ ऊपर की तय के ऊपर बर्फ जम जाती है, क्योंकि बर्फ ऊपर रहती है वो ऊपर होती है, तो फिर अंदर सारी जो जिंदगी है जो हयात वहाँ है वो महफूज रहती है, वरना वो नीचे से बर्फ बननी शुरू हो तो सब कुछ खत्म हो जाए, एक लॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाए सारा। तो मैं पानी को छोड़े, मैं तो खुद पानी के बारे में जैसे मैंने कहा कि थोड़ी देर तक मैं आपको बता सकता हूँ कि पानी से हमें क्या क्या मिला है, लेकिन फिर छोटी सी आपकी जिस्म की नियमतों के अंदर आपकी एक आंख, मैं एक दफा इधर उधर से पढ़कर इकट्ठा करके और फिर कुछ चीजें जो मैंने रखी थी, तो एक घंटा लगा था उसे बताने में, आप खुद देख लीजिएगा कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, जब छिन जाती है तब एहसास होता है लोगों को। तुम एक नेमत की गिनती नहीं कर सकते, नेमतें तो बेशुमार हैं, उन सब की भी नहीं कर सकते। इन्नल्लाह लगफूर रहीम, गफूर को भी समझ लीजिए, मगफरत लफ्ज है, बहुत बड़ी चीज़ है, एक माफ़ी एक मगफरत है अल्लाह के यहाँ। हमें से पता नहीं जितने वहाँ पर होंगे, जितने मौजूद होंगे बड़े बड़े, मैं कितनी चीज़ें, बहुत से लोग बड़ा अच्छा समझते हैं ना, अभी तो यहाँ पर यह भी कहा कि वो तकवा मेरे अंदर है कहा गया, कुछ हिस्सा तो हर एक के अंदर है इसका, आप सब के अंदर। मेरी कमियाँ बहुत सी, ज़्यादातर जो हैं कमियाँ वो मैं जानता हूँ, और मुझे नहीं पसंद है कि दूसरों को मालूम हो जाए। बाज़ कमियाँ वो हैं जो मैं ये नहीं चाहता मेरी वाइफ को मालूम हो जाए, बाज़ कमियाँ वो हैं जो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को मालूम हो जाए, बाज़ कमियाँ वो हैं जो मैं नहीं चाहता मेरे दोस्तों को मालूम हो जाए। एज ए हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाज़ कमियाँ वो हैं जो मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के और लोगों को मालूम हो जाए।
अल्लाह के यहाँ सब खुली होंगी, कोई एक भी ऐसे नहीं होगी जो सामने सबके नहीं आ जाए, बड़ी शर्मिंदगी होगी, हुजूर भी होंगे। माफ़ी की सिफत अल्लाह की, माफ़ी शान माफ़ी यह है कि कहो जाओ, बहुत सी चीज़ें छोड़ दी इसमें से, दरगुजर किया, ये माफ़ी है। जिल्लत तो हो गई सबके सामने। मगफिरत यह है कि ढक दिया, फाइल के पेपर बंद हो गए, इस पर कोई ये कोई नहीं देख सकेगा, जाओ ऐसे छोड़ा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, इतना हिस्सा ढक दिया, इसका हिसाब भी नहीं होगा, बहुत ऊपर की बात है, वो गफूर है। ढकता रहता है आपकी जितनी गलतियों की वजह से, जो आपको मुसीबतें आपको परेशानी आनी चाहिए वो नहीं आती, इसलिए कि उसने ढक दी थी। असलन तो उसके नतायज में उसके नतायज ऐसे आने चाहिए थे कि बर्बाद हो जाते। और रहीम है, रहीमियत के सफत सिफत की ही वजह से अगर आप कंस्ट्रक्टिव काम उसके बनाए हुए उसूलों के मुताबिक कायनात में जो उसूल के मुताबिक करते रहेंगे तो उसका लाजमी नतीजा मिलेगा अच्छा, ये अल्लाह के रहीमियत की सिफत है। वह इन तौदू नेमत अल्लाह, तो अल्लाह की नेमत। और फिर फरमाया हुआ दो बार लगातार तले ऊपर रिपीट करने की क्या जरूरत थी, फैन्ना माल उसरी उसरा, इन्ना माल उसरी उसरा, हर मुश्किल के साथ में, हर परेशानी के साथ में एक सहूलत का पहलू है, एक आसानी का है। हम उसमें से हमेशा वो मुश्किल वो आसानी अगर जो साथ में लगा हुआ है उस पर नजर ही नहीं जाती, उस पहलू में जिस वक्त हम महसूस करते हैं हम बड़ी परेशानी के अंदर है, वही छा जाती है ऊपर, और फिर वो नेगेटिविटी आपको तबाह करती है, आपका खून जलाती है, वो मनफी सोच। इसमें से उसे छांटिए, जो क्या कोई मुसीबत कोई परेशानी ऐसी नहीं, दो बार कहा है, दोहराया अल्लाह ने, फैन्ना माल उसरी उसरा, उसके साथ एक आसानी का एक सहूलत का पहलू मौजूद है, उसे साथ में लीजिए, आगे बढ़ जाइए, इसे भूल जाइए, जहन से खुरज दीजिए, हो गया ना, आपके जहन में आएगा, खून जलता रहेगा आपका, किसी और का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये बहुत होता है हमारे साथ में। मैं यहाँ पुरानी दिल्ली के अंदर मैं ही चला जा रहा हूँ, एक साहब आए, वो साइड से बाइक से थे या किसी चीज़ से, वो कोनी हैंडल उनका मारते हुए निकल गए, कोई ख़ास चोट नहीं लगी। अब मैं कुड़कुड़ा रहा हूँ, यहाँ से गालियाँ बक रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ, और बड़ी देर तक गुस्सा देख कर नहीं चलाते, पागल हो गए, वो तो गया, जितनी देर मैंने गालियाँ बकी कुछ भी नहीं बिगड़ा उसका, वो जा चुका, मैं अपना खून जला रहा हूँ, तो नुकसान अपना कर रहा हूँ ना, उसे मैं हंस के झाड़ देता और चला जाता तो मेरा अपना नुकसान नहीं होता। ये सारी गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं, कि जो अच्छे पहलू हैं कि अरे ज़्यादा चोट लग जाती है, अल्लाह ने कैसा बचाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल दूँ, बड़ी अजीब सूरत है, बड़ी अजीब, और अल्लाह ने हसन अल-कसस से लिखा है कि सिर्फ एक नबी हैं जिनकी दास्तान शुरू से बचपन से लेकर आखिर तक सिलसिलेवार तरतीब के साथ में अल्लाह ने बयान फरमाई, ये सिर्फ एक ही के सिलसिले में हुआ, इसलिए उसे कहा कि ये बेहतरीन किस्सा सुना रहे हैं। बचपन में जो कुछ भाइयों ने किया छोटी सी उम्र के अंदर, वहां डाल दिया कुएं में, मिस्र के बाजार में बेचे गए, बड़े सस्ते बिके, उस घर के अंदर गए जहां पर उनको शुरू में गुलाम बनाया गया, और बात को उससे ज्यादा बड़ी आजमाइश आ गई जो उनके लिए बड़ी सख्त थी, नबूवत भी उस वक्त मिल चुकी थी। फिर आखिर में ये हुआ कि वहाँ के जो हाई सोसाइटी के लोग थे, बड़ी बदनामी चारों तरफ होने लगी थी, उनके लिए बड़ी आम बात थी, परेशानी ये थी कि ये एक पारसा फंसा हुआ है दरमियान में, जिसकी वजह से ये हमारे अंदर की ये बातें जो हैं ये सब आवाम में चली जाएंगी। तो फिर उनका कि यही होता है, उनका कि इसे जेल में डाल दो, ये जानते हुए कि बेकसूर ने सब जानते थे, और उसे फिर जेल में डाल दिया गया। हर निदाम में यही होता है कि इसे बीच में से हटाओ तो भांडे फूट जाएंगे। वो कितने अरसे जेल रहे, सालों, एक मौका ज़रा सा आया था, उन्होंने तवज्जो दिलाई, साथ में कैदी था कि वहाँ शाह से जिक्र कर देना, भूल गया, और बहुत सालों रहे, एग्जैक्ट नहीं मालूम कितने साल, एक तवील अरसे तक परेशानियाँ मुसीबतें आजमाइशें लगातार होती चली गई। उसके बाद निकले, रिहाई भी मिली। इस तवील दास्तान के अंदर जो पूरी एक सूरत के अंदर है, तरतीब वार किसी एक जगह मिला आपको कि ये दुआ उनकी मिली जेल के अंदर कि अल्लाह बड़ी परेशानी में वो निकाल दीजिए, ये दुआ ही नहीं की क्या? बहुत हाँ, मैं जैसा आपने रखा है मुझे ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं यहाँ भी नबूवत का काम कर रहा हूँ कैदियों के अंदर, लेकिन मैं तो आफियत पसंद करता हूँ, मुझे निकाल दीजिए, एक जगह नहीं है। एक तदबीर बीच में बहरहाल की थी, वो उसे अल्लाह ने बुला दिया, उस शख्स को जो
कैदी साथ में था जो बाहर गया था। अब जब अल्लाह को मंजूर था निकले हो बड़े ऊंचे मकाम पर पहुंच गए, ये सब तरबियत का निजाम चल रहा था, इन सब जगहों से गुजारना था वहां पहुंचाने के लिए, वो जरूरी था। ये था ये तंगी के साथ में इसका पहलू सहूलत का या आसानियों का या एक अच्छे मुस्तकबिल का पहलू साथ में मौजूद था जो नजर नहीं आता था, लेकिन उनको कभी तकलीफ महसूस नहीं हुई। और उसके बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, पढ़िएगा क्या कहे, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने, मेरे रब का शुक्र है जिसने मुझे इतनी इज्जत दी और मुझे जेल से निकाला, कैद से रिहाई दी। अरे कैद से रिहाई अगर अल्लाह ने दिलवाई तो कैद में डलवाया भी तो अल्लाह ने था, उसका कोई जिक्र नहीं है कि इतने साल, अरे यही कह देते कि इतने साल कैद में रखने के बाद मुझे रिहा कर दिया आपका शुक्रिया, कोई तस्करा नहीं भूल गए जैसे याद ही ना हो। फिर भाई आए, जब आइडेंटिफाई कर लिया था, ला तस्रीब अलैकुम अल्यौम, उन्होंने कहा हमसे खता हो गई, बात इतनी सी बात कही थी, हम वाकई कसूरवार थे। ला तस्रीब अलैकुम अल्यौम मतलब ये कि अब पिछली बातें कभी याद ही नहीं दिलाऊंगा, खत्म, वो सारे तस्करे खत्म, आइंदा भी कभी जिक्र नहीं आएगा आज के बाद से। और यही सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां मक्के में दाखिले के वक्त कहा था कि जिन्होंने लम्हा लम्हा अजियतें दी थी, उनका क्या, और नहीं किया कभी उसका हवाले आइंदा नहीं दूंगा, ला तस्रीब अलैकुम अल्यौम, कभी उसके बारे में तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा जो कुछ तुम कर चुके हो आज के बाद। कि कितने सख्त हालात गुजरे थे। यह है शुक्रिया, यह असल शुक्रिया है, यह फिर नेमतें बढ़ती हैं। यह है मुश्किलात के बाद, वहां मक्के की जिंदगी के अंदर वो पहलू छुपे थे जिसकी वजह से कामयाबियां मिली हैं मदीने के अंदर, और हजरत यूसुफ के उस पूरी आजमाइशी दौर के अंदर वो तरबियत का निजाम चल रहा था, वो चीजें चल रही थी जिसकी वजह से वो उस मकाम के ऊपर पहुंचे, जिस जगह पर वो पहुंचे। आप वो पहलू तलाश कीजिए जो मुस्बत पहलू है और उसे लेकर आगे बढ़ जाइए। शुक्रिया फिर दिल से होगा, दिल के अंदर से आएगा, वो जो दिल के अंदर से निकले सिर्फ वही शुक्रिया है। लाजीदन्नकुम, अल्लाह कहता है करके देखो, यानी दिल में आ जाए, वो जानता है दिल की बात, जबान से भी करें बहुत अच्छी बात है, करें चाहे ना करें, अमल से तो जाहिर होता ही है शुक्रिया। मुझे एक बड़ा खूबसूरत फ्लावर बेस अगर आप में से कोई प्रेजेंट कर दे, उसका शुक्रिया यह है कि मैं उसके अंदर फूल लगा के अपने ड्राइंग रूम में सेंट्रल टेबल पर रख दूँ, अगर बहुत अच्छा था तो बहुत खूबसूरत था, ये शुक्रिया है। कदरदानी इसे शुक्रिया कहते हैं, यह अमल में जब तब्दील होती है, चाहे मुंह से मैं थैंक यू कहूँ या ना कहूँ। आप देखेंगे कभी तो आपको अच्छा लगेगा, दिल चाहेगा कुछ और भी देंगे कभी, किसी दिन आप आए, बेकार नहीं है, मैंने तोड़ा नहीं कहीं, उसमें फेंका नहीं है कहीं पर, साइड में कहीं डाल नहीं दिया है, लेकिन उसी फ्लावर उससे काम ले रहा हूँ, अपने इस्तेमाल में ला रहा हूँ, उसके अंदर मैं पानी भर के वॉशरूम ले जा वॉशरूम जा रहा हूँ, तो अगर देख लिया तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं देंगे मुझे, ये नाकदरी है तोहफे की। तो कदरदानी नाकदरी में ये फ़र्क है, तो आपके अमल से कदरदानी नजर आनी चाहिए, वो शुक्रिया है, और दिल के अंदर भी हो, दिल के अंदर नहीं हुई तो वो दिल के अंदर नहीं होगी, दिल के अंदर शिकायतें होंगी, चाहे आप वो शिकायतें दूसरों से करें चाहे ना करें, दिल के अंदर अगर शिकायतें होंगी आपको जलाती रहेंगी, आपकी क्रिएटिविटी खत्म होती रहेगी, तामीरी सलाहियतें खत्म होती रहेंगी, जिंदगी भर के लिए नुकसान बढ़ते चले जाएंगे, और ये जो है ये तामीरी सलाहियतें बढ़ेंगी। लाजीदन्नकुम, अल्लाह का वादा, मैं बढ़ाता चला जाऊंगा, आपको लेना है अल्लाह से तो एक लाजमी, अल्लाह ने कहा लाजमन और दूंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा, तो उससे लेने का ये बिल्कुल तीर बहादुर नुस्खा जो उसने खुद बता दिया। वामा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, बड़ी प्यारी सूरत है, मैं आखिर में जरा सा प्रैक्टिकली यहाँ उसे प्ले भी करूँगा एंड में, मैंने इसलिए 15 मिनट मांगे थे कि उससे पहले रोक दीजिएगा। जो नेमत भी मिले तुम्हें उसे बार बार रिमाइंड कराना अपने आप को, बार बार, वो एक बार खाली नहीं, जो नेमत भी मिले। सूरत शुरू होती है इस जगह से कि जहां पर ये एश्योरेंस दी बात का मजमून, पहले तुम्हारा आइंदा दौर पहले से बेहतर होगा, लाजमन होगा, इसके साथ में है किसका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो तो हुआ था, मदीने का मक्के से बेहतर था, यकीनन था। अरे आपसे कहा है कहीं वहां है मोहम्मद नहीं है जो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, कुरान पूरा आपसे मुखातिब है, पूरा
यह है कुरान का शाने नुजूल, आपके मसाइल। कुरान का जमाने नुजूल है आपका दौर। उसके लिए यानी गहराई के फहम के लिए वो उलमा चीज़ों को तलाश करें, उसमें से बहुत सी जगह अंदाजे लगाएं कि ये कब नाजिल हुई थी, कैसे हुई थी। ठीक है, उसके अपने लिटरेरी फ़ायदे हैं बहुत से, लेकिन कुरान के अगर नुजूल का दौर आपका दौर नहीं हुआ तो आपके लिए नहीं है, और कुरान का नुजूल अगर आपके मसाइल पर नहीं हुआ तो आपके लिए नहीं है। वो कुछ पिछली दास्तानें ही हैं जो आप पढ़ रहे हैं। कुरान ने कहा है खुद, एक जगह कहा कुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना, इनसे कहो तुम सब हम अल्लाह पर ईमान लाए, और उस पर इलैना जो हमारी तरफ भेजा गया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत ज़ाहिर। एक जगह कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना, हम पर जो नाज़िल हुआ हम सब पर, कह दो हम ईमान लाए उस पर और उस पर जो हम पर नाज़िल हुआ। ये कैसे होगा, एक हर्फ भी नया नाज़िल नहीं होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। अब वो वही का सिलसिला रुक गया, लेकिन कुरान का इर्तिका जारी रहेगा हर दौर के अंदर। आपको वही आयात जो है वो आपके दौर के अंदर कुछ और बहुत से माने देंगी। अबू लहब तबाह हो गया, तब्बत यदा अबू लहब, बर्बाद हुआ हुआ, तारीखी बात है। ये कुरान खास तौर से हिस्ट्री में हमें क्यों बता रहा है, बर्बाद हो गया, माल दौलत भी काम नहीं आया, उसकी कमाई भी काम नहीं आई। उसूल बता दिए होते खाली, एक अबू लहब, अबू लहब उसका नाम ही नहीं था। अबू लहब कहते थे, अबू लहब के असल लिटरल मीनिंग है जिसके अंदर आग हो, शोले वाला। अब तुमसे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि बर्बाद हो गया वो जिसके अंदर आग है किसी भी तरह की, चाहे वो नफरत की आग हो, चाहे वो हसद की आग हो, चाहे वो गुस्से की आग हो, चाहे वो मुखालिफत की आग हो, बर्बाद हो गया। मागना अनु मालू मा का सब, पैसे होंगे खूब, मालो दौलत होगा किसी काम नहीं आएगा, आगे है उसकी अज़्वाजी जिंदगी भी नाकाम हो जाएगी सब कुछ होने के बाद। हमसे कहा जा रहा है कुरान ने कहा, और वो बात भी सही थी। अबू लहब एक शख्स का तखल्लुस, एक शख्स का लकब था वो, इसलिए कि उसका मुंह बड़ा लाल भभूका था। तो कुरान ने नाम कहाँ लिया है, कुरान ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिस पर आप अपने दौर के अंदर ये देख लें और एक उसूल समझ लें, और इस नाम का एक शख्स था जो तबाह हुआ और बर्बाद हुआ, वो अपनी जगह हक है। तो कुरान ने इर्तिका है, लगातार आपके दौर में आपको गाइडेंस देता चला जाएगा। वह अम्मा बे नेमत रब्बी का फहद्दिस, आपको जो नेमतें मिलें उसे रिमाइंड कराइए, बार बार अपने आप को रिमाइंड कराइए, रोज़ मिलेंगी। और जितना नेमतों को चुन चुन कर ढूंढना सोचना शुरू करेंगे उतना ज़िंदगी कामयाब होते चली जाएगी। ज़िंदगी कामयाब होगी तो स्ट्रेस गायब होता चला जाएगा, स्ट्रेस बेचैनी तो उसी से होती है, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, ये परेशानी है परेशानी। तो ये स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए पहला उसूल था। छोड़े नहीं से मैं छोड़ रहा हूँ जल्दी की वजह से, आयात बहुत सी है। ये हम रोज कहते हैं, भी आई थी ना बात, इया का नाबदू, ये दावा है। आप में से सब रोजाना बहुत मरतबा इया का नाबदू, आप ही की करते हैं बंदी की, आप आपकी नहीं, आप ही की इया का मतलब ये है। नाबदू का होता है आप तुम्हारी बंदगी करते हैं, आपकी बंदगी करते हैं, इया का नाबदू सिर्फ आपकी करते हैं। ये दिन में कितनी दफा कहते हैं, ये दावा है। इस दावे का एक टेस्ट है, वो खुद अल्लाह ने रखा, करते हो नहीं करते हो। इन कुंतुम, मैं बात का हिस्सा पढ़ रहा हूं पहले, इन कुंतुम इया ताबदून, वो कहा था ना तुम कहते थे ना इया का नाबदू सिर्फ आपकी बंदगी करते हैं बस करती हैं। इन कुंतुम इया ताबदून, अगर तुम सिर्फ मेरे बंदे हो, सिर्फ मेरे बंदगी करते हो या करती हो, वशकुरू नेमत अल्लाह, शुक्र करके दिखाओ अल्लाह की नेमतों का। यह टेस्ट है उस दावे का जो रोज चल रहा है, और शुक्रिया की जिंदगी नहीं तो नहीं करता इसको। और भी है टेस्ट, ये मैंने यहां पर एक रखा है। तो एक टेस्ट उसका ये है कि ये इया का नाबदू आपका सच्चा है या झूठा, कि जिंदगी में शिकायतें भरी हुई है या जिंदगी में नेमतों की का शुक्रिया भरा हुआ है दिल से, और वो शुक्रिया आपको उठाता चला जाएगा, स्ट्रेस टेंशन खत्म होता चला जाएगा। बहुत मामूली बात है, जरा मुश्किल है अपनी प्रैक्टिस में लाना, अपने आप को ट्रेन करना है। मैंने किया है,
इन सब चीज़ों के ऊपर जो आपके सामने रखा हुआ अमल कराए हैं, ज़िंदगी बदल गई। मैं अच्छा नहीं लगता कोई दावे करते हुए, लेकिन मुझे कोई और नहीं मिला और होंगे ये नहीं कह रहा नहीं है। 35 साल में किसी एक मामूली सी भी कोई मुझे टेंशन मेरे पास नहीं फटका है। लोग पूछते हैं आपकी सेहत बहुत अच्छी है, 71+, तो कहते हैं बहुत अच्छी, ऐसी कैसे है? आधे से ज़्यादा 7 किलो उधर गए, बाकी जो है उधर सा हिल कर चलते। तो मैंने बहुत सोचा, बड़ी बेकायदा लाइफ है, बहुत बेकायदा लाइफ है, खाने पीने की के हिसाब से, सोने जागने के हिसाब से और बहुत सी और चीज़ें। तो अब तक तो कभी का मुझे भी उन लोगों के साथ निकल जाना चाहिए था जो बहुत पहले गुजर गए। मैं मुझे यकीन है बहुत सोच कर हुआ, मैं फिर खुद सोचने लगा, लोग जगह जगह पूछने लगे, क्या मेरी ज़िंदगी में टेंशन नहीं है। लॉसेस बहुत हुए, धोखे बहुत हुए, जिसे लोग मुसीबतें कहते हैं वो बहुत आई, आती रहती है, वो तो आखिरी सांस तक आएंगी आप में से हर एक को। ये समझे बंद हो जाएगा, किसी का बंद नहीं होगा, ये टेस्ट आएंगे। सिर्फ ये कि वो मसाइल आपके ऊपर बैठ जाते हैं या आप ये देखें कि क्यों हुआ था, सिर्फ इसलिए एनालाइज करें, आइंदा इससे बचेंगे, हुआ था आपकी अपनी वजह से। और इसे देखें कि अब क्या है आगे मुस्तकबिल में, ये इन्ना माल उसरी उसरा, और आगे बढ़ जाए। उसका एक शिकायत दिल के अंदर नहीं आए, जबान की बात नहीं हो रही, नहीं आती मेरे अल्लाह का शुक्र, तो फिर कोई टेंशन नहीं होता। दूसरों को देख के तकलीफ में दुख होता है, आंसू भी निकलते हैं, और लेकिन किसी तरह का नहीं होता। इसलिए कि मैंने अमल किया है, खाली ऐसी अमल किया, ट्रेन किया, कोशिश कर करके ट्रेन किया इन चीज़ों पर। अपने आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, और बहरहाल मैं क्या बता रहा हूँ, अल्लाह के कलाम में से छाँट कर चुन कर जो मैंने निकाली थी वो आपको दे रहा हूँ। और ये आखिरी बात शुक्र के सिलसिले की, अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दरमियान का हिस्सा है छोटा सा, वो जो आखिरी आयत जहाँ कुरान मुकम्मल हो गया था, बस बंद हो गया, अब वही नहीं आएगी। अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम नेमती, नेमत आखिरी तमाम हो गई, इतमाम नेमत हो चुका। तो इतमाम नेमत क्या है? कुरान का नज़ूल मुकम्मल हो गया, यह आखिरी नेमत है सारी नेमतों, इसका शुक्रिया, इसका अमली शुक्रिया, जिसके लिए कुरान कॉन्फ्रेंस कब से 2011 से चली आ रही है। आपको कुरान की अरबी आनी चाहिए, खाली तर्जुमे से काम नहीं चलेगा, ये तो फौरन शुरू कर दीजिए जो नहीं करते, लेकिन कुरान की अरबी आनी चाहिए, नहीं है मुश्किल। अरे 1 साल के डिप्लोमा में और 2 साल के डिप्लोमा के अंदर बड़ी अच्छी फ्रेंच बोलने लगते हैं, रशियन बोलने लगते हैं, बोलने, और क्या सुबह से शाम तक क्या क्लास अटेंड करते रहते हैं? तो फिर 1 साल और 2 साल में कुरान भर की लिटरेचर, लिटरेरी बात अलग है, इंशा और अदब की वो भी आ जाएगी। और अब जगह जगह कोर्स चल रहे हैं, बहुत सहूलत हो गई। तो फिर पूछा जाएगा आपसे, सवाल किया जाएगा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जिसकी वसत नहीं थी, जिसके बस की नहीं थी, जिसका दिमाग ऐसा था उसकी समझ में ही नहीं आता, अब कुछ याद ही नहीं होता, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, उस किसी की वसत से ज्यादा, कैपेबिलिटी से ज्यादा हिसाब ही नहीं होगा, बात खत्म। लेकिन अगर आपको दूसरी लैंग्वेज ज़बानें आ सकती हैं थोड़े से दिनों में, अगर आपको वो थोड़ा सा वक्त लगाने के बाद, पूरा दिन नहीं, अगर 1.5-2 साल के अंदर कुरान के सारी पूरा कुरान पढ़ा जाए, और आपके मतलब आपके जहन में आ रहा है इतनी अरबी आपको आ सकती है, और उसके सिखाने का इंतजाम भी है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा का एक मतलब ये भी है कि तुम्हारी वसत से ज्यादा, तुम्हारी कैपेबिलिटी से ज्यादा तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा, लेकिन जितनी वसत और जितनी कैपेबिलिटी है उसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर आपकी है तो आपको हिसाब देना पड़ेगा, बचकर नहीं जा सके कि क्यों नहीं आता था, वक्त नहीं था, आपने 24 घंटे तो दिए थे, हमारी जरूरतें इतनी दे दी थी कि जो 24 घंटे में पूरी नहीं हो रही थी, इसे पढ़ो। ये तो फिर लोगों ने बता दिया है ना, हम उनसे पूछ लेते हैं, हिसाब देना पड़ेगा इसका, इसे मैनेज कीजिए रोजाना। ये नेमत आखिरी नेमत है, मैं अभी नेमत के शुक्रिया की बात हो रही है ना, आपका स्ट्रेस खत्म करने के लिए, और ये इतमाम नेमत है। इसको फिर जो कुछ अभी बताया गया, मैं और ज्यादा यहां पर नहीं कहना चाहता उसके सिलसिले में, वैसे शुरू कर दें। दूसरी, सेकंड पॉइंट, ये दिल की तहारत साफ कर लीजिए। मैंने बहुत दिनों ट्रेन किया अपने आप को, बहुत दिन,
बहुत सालों, इसलिए कि एक मेरे दोस्त पुराने डॉक्टर जावेद अंजुम मेरे उस्ताद शमशेर उस्मानी रहमतुल्लाह के जाने के बाद हम लोग बहुत तस्करे करते थे, क्या क्या थी, बेपनाह निकलती चली आती थी, खुफिया ये भी थी ये भी थी, बहुत हर चीज़ अपनी उनकी, दूसरों को पता भी नहीं चलती थी, फ़कीर आदमी थे। कहने लगे एक बहुत बड़ी खूबी इसमें उनमें ये थी कि किसी के खिलाफ बोझ नहीं था, मामूली सी फांस भी नहीं थी, जितना सख्त मुखालिफ होता था उतना उसके लिए नमाजें पढ़ पढ़ के खैर की दुआ करते थे, खैर की ये नहीं कि मेरी मुखालफत बंद करते, उसके लिए भलाई की दुआ करते थे। मैंने तजुर्बा किया आप भी कीजिएगा, अरे अपने मफाद के लिए कर लीजिएगा, कि किसी से कुछ करवाना हो, कोई बहुत परेशान कर रहा हो, कोई अथॉरिटीज में से हो, उसके लिए भलाई की दुआ स्टार्ट कर लीजिए, या दुनिया की भलाई की भी, और दिल से कीजिएगा, चाहे करें अपने मफाद से, कि वाकई कामयाब हो जाए, उसका दिल नरम होना शुरू हो जाएगा आपके लिए। वह उनके दिल में नहीं था, कीना नहीं था किसी के लिए, वाकई नहीं था, बड़े वाकयात हैं, मैं यहाँ ज़ाहिर वो सुनाने का मौका नहीं है, उन्होंने कहा और तमाम में पूरी ज़िंदगी की कितनी चीज़ें आती चली गई, फिल्म की तरह गुजरती चली गई मेरे सामने से। मैंने सोचा कि मेरे अंदर तो बहुत है, बरसों नहीं जाता और जाएगा भी नहीं, ऐसा नहीं होगा, उस जैसा इंसान तो मैं नहीं बन सकता। फिर ये कोशिश की कि ये इरादा किया कि कोशिश करता हूँ जितना भी हो जाए, बहुत साल ट्रेन किया अपने आप को, अब नहीं आता, अल्लाह का शुक्र है, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है, दुश्मन है, मुखालिफ भी है दुश्मन भी है, लेकिन किसके खिलाफ फांस भी नहीं है दिल में, एहतियातें करता हूँ, करना चाहिए, किसी से किसी का मिजाज जैसा है, जैसे आपको तजुर्बा है कि बड़ा नुकसान पहुँचाता है, एहतियात कीजिए, लेकिन दिल में यह कि ये मिट्टी में मिल जाए इसका नुकसान हो जाए, ये आपका खून जलाता है, सब चीज़ों को छोड़िए। यस, ये अबू लहब मैंने बताया था कि वो जिसके सीने में आग है वो बर्बाद हो गया, ये कमाई काम नहीं आती, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, इस जिंदगी बर्बाद होने से बचाइए, ये है टेंशन, तो ये है स्ट्रेस, इसको अगर जो जिन लोगों से, इसके लिए भी हम एक प्रैक्टिस कराते हैं, एक नोटबुक हर एक लेकर बैठे कर कीजिएगा रोज, अगर आपको कामयाबी चाहिए तो, लोग नहीं करते, सुन लेते हैं, मर्जी आपकी, मसाइल आपके हैं, मेरे हल हुए हैं तो और लोगों के हल हुए हैं, आप चाहें तो अपने करें, एक मुजर्रब बात है, एक नोटबुक ले लें, पेन ले लीजिए, मैं उनसे कहता हूँ कि दरअसल उनके नाम लिख लीजिए जिनके खिलाफ आपके दिन में थोड़ी सी भी मामूली सी बहुत ज़्यादा शिकायतें तरती, उनके नाम लिख लीजिए जितने याद आते जाएं, मेरा भी लिख लीजिएगा कि किसी मौके पे, अब नहीं पहले भी शिकायतें हुई तो मेरा भी लिख लेना, अब नाम लिख लीजिए सब उनके सबके, अब एक लिस्ट आ गई बहुत सी जिनसे शिकायतें हैं, या जिनसे बस खाली शिकायतें, और फिर गुस्सा, और फिर कीना, और फिर नफरत, ये एक लिस्ट बड़ी लंबी सी बन जाती है। अब उसके बाद रोज़ आपको करना ये है जो उनसे कहता हूँ मैं, आप और आप चाहें तो आप शुरू कर दीजिए, ज़िंदगी में कामयाबियाँ शुरू हो जाएंगी थोड़े दिनों में। उसमें विजुअलाइज कीजिएगा, पहला नाम कौन, राकेश, आंखें बंद कर लीजिए और राकेश का तस्वीर चेहरा आ जाए सामने, कहना जाओ मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ़ किया, दिल से कह दीजिएगा जबान से नहीं, दिल को टटोल लीजिएगा अल्लाह की रजा के लिए क्या है, अब नहीं रहेगा तुम्हारे खिलाफ कुछ मेरे दिल, जितनों को कर सके उसमें से उनके नाम काटते जाइए, हर एक के नहीं कट पाएगा, हर एक को कर ही नहीं पाएंगे, फिर अगले दिन लेके बैठिएगा, कुछ नाम कट गए, बाकी को विजुअलाइज कीजिए और कहिए जाओ अल्लाह की रजा के लिए माफ़ किया, अगर वाकई कैफियत के साथ में दिल में से निकल जाए तो फिर नाम काट दीजिएगा, ऐसे ही मत काटना, हल्के हल्के करके वो लिस्ट ख़त्म कर दीजिए, कुछ दिन लग जाएंगे। मुझसे कहा लोगों ने, कहा कि साहब मेरे पास आए, कहने लगे इसमें तीन नाम ऐसे हैं, एक साहब आए और भी एक आदमी, कहा इसमें तीन नाम ऐसे हैं जिंदगी भर भी करता रहूँगा ना ये नहीं कटेंगे, तो कहा तुमने इरादा नहीं किया, यही तो तुम्हें नुकसान पहुँचा रहा है, तुम अपनी तदबीरें रखो कि उससे नुकसान से बचने की, तुम्हें तुम्हें खुला रहा है, तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, तुम सुलगते रहोगे, तुम जलते रहोगे, ये चीज चाहते हो या अल्लाह की अपनी कामयाबी चाहते हो। हजरत वलयाफु वलयफाउ अला तुहिब्बुन अन यग़फिरा अल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, वो वही जो उसमें आया उस आयत के आखिर में था। हजरत कहा जाता है बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हजरत आयशा पे तोहमत लगी थी, बोहतान लगा था, तो उस वक्त इनके जिनकी किफालत है तो वो करते थे, एक वो भी शरीक हो गए उसके अंदर फैलाने में खबरों को,
और खुद हजरत बकर उनका खर्च उठाते थे। हजरत बकर खामोश रहे, वो देते रहे खर्च, कुछ नहीं कहा और किसी मौके पे किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर जब अल्लाह की तरफ से बारात आ गई, माफ़ी का ऐलान आ गया, उस दिन उन्होंने ये कहा कि अब आइंदा इसका खर्च बनता, ये इसने भी इसके अंदर हिस्सा लिया, मेरा परवरदा। तब यह आयत नाज़िल हुई, अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िर अल्लाह, क्या अन यग़फ़िर अल्लाह, तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हारी गलतियों को ढांप दे, हिसाब नहीं ले, छुपा ले, तुम पसंद नहीं करते। रोते रोते हिचकियाँ बन गई, दाढ़ी दाढ़ी पर हो गई, अरे अल्लाह मैं पसंद करता हूँ, उसका खर्च दोगुना कर दिया, मुझे ये पसंद है। क्या पसंद है आपको, वो आदमी तबाह हो जाए, मुझे ना मिले, यही एहसास है, अरे मैं जल जाऊं, मैं ये भी बर्बाद हो जाए। मुझसे एक जज ने कहा था, डिस्ट्रिक्ट जज थे, जैसे अब ताल्लुक अच्छा था, बहुत फ्रेंक बातें कुछ हो जाती थी, बहुत बहुत साल पहले की बात है, कहने लगे तारिक मियां ये हमारे पास आती हैं पार्टी, दो पार्टी रहती है, ये जो झगड़े लेकर आते अपने ज़मीनों के, ये आपस में तो फैसले करते नहीं, हमारे पास आ जाते हैं, हम भी इन्हें साफ साफ कहा, हम भी इन्हें सूदते, इसमें से ये दोनों बर्बाद होने के लिए आते हैं, जो जो जीत जाए उसके तन पे लंगोटी रह जाती है, जो हारेगा उसके तन पे लंगोटी भी नहीं रहेगी। तो स्पिरिट ये होती है कि मेरा चाहे जितना नुकसान हो जाए ये जमीन में घुस जाए, क्यों अपने आप को तबाह करते। तो ये माफी की ये प्रैक्टिस जो मैंने की, ये स्टार्ट कर दी है, वो लिस्ट कट जानी चाहिए, जिक्र रिमेंबर सफल्ला, अल्लाह को याद रखना, तो अल्लाह को याद रखना तो अल्लाह के उसूल कवानीन याद रखना। अल्लज़ीन आमनू व तत्मईन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, जो लोग ईमान लाए ये है इत्मीनान कल्ब, ईमान लाए वो हैं जिनके दिलों के अंदर अल्लाह की याद से यानी अल्लाह के कवानीन की याद रखेंगे, उस पर अमल करेंगे तो फिर इत्मीनान कल्ब मिलेगा। अल्लाह सुन लो खबरदार, बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल कुलूब, अल्लाह के फिर जिक्र वो नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, वो लेकर बैठ गया, आपने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, उसे आप विर्द कह ले, मैं ये भी नहीं कह रहा कोई फायदे नहीं, कुछ होते होंगे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा आपसे कि फजूल है, लेकिन जिक्र नहीं है, याद तो दिल के अंदर होती है, जबान से चाहे जाहिर हो चाहे न हो, जिक्र स्टार्ट कर दीजिए। जिक्र क्या है, जिक्र ये भी है कायनात के अंदर जो अल्लाह की आयात है उनके ऊपर गौर करना, ये जिक्र है, उसकी याद आती है कि इतनी बड़ी कायनात ये उसने किसने फैलाई, इन फी खल्क समावात वल अर्ज़ वख्तिलाफ अल-लैल वन्नहार लआयातिल लिउलिल अल्बाब, अल्लाह ये आसमान और जमीन की क्रिएशन के अंदर और दिन और रात के अंदर जो चेंजेस हैं उनके अंदर, इसके अंदर लाजमन अल्लाह की आयात हैं, अक्ल वालों के लिए जो अक्ल अपनी इस्तेमाल करते हो, अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन वक़ऊदन वअला जुनूबिहिम, ये और वो जिक्र करते रहते हैं, ये याद दिलाती है वो चीजें उनको, वो जिक्र करते रहते हैं बैठे हुए लेटे हुए करवटों पे लेटे हुए, बैठे खड़े बैठे करवटों पे लेटे हुए, चाहे वुदू ना किया हो चाहे तहारत ना हो, इससे तो किसी ने नहीं रोका, उस वक्त अल्लाह की आयात पर गौर करने थे तो तब भी किसी ने नहीं रोका आपको, उसका शुक्रिया, और उसकी याद, उसकी अजमत आती है दिल के अंदर, वो उसकी याद दिलाते हैं, तो कायनात में अल्लाह की आयात पर गौर करें, वो भी अल्लाह की आयात है, और फिर ये जिक्र अफजल जिक्र इन्ना अंजलना जिक्र कहा ना कि वइन्ना लहू लहाफिज़ून, और हमने इस जिक्र को नाजिल फरमाया, इस कुरान को हमने नाजिल, उसे कुरान ये अफजल जिक्र है। तो तस्करा ये गुजर चुका कि इत्मीनान क़ल्ब, ये सुकून चाहिए कुरान से जुड़िए, जोड़ने का मतलब यह है कि फिर चाहे एक ही आयत हो लेकिन फिर वो आपके अंदर घूमती रहे सारे दिन, वो अहकामात भी दिन भर घूमते रहे, काम करते रहिए वो भी घूमते रहे, आपका माइंड उससे कंडीशन हो जाना चाहिए, प्रोग्राम्ड हो जाना चाहिए, जिंदगी बदलती चली जाएगी, फिर सोच कर नहीं करेंगे वो, तो फिर ऑटोमेटिकली आपसे वो चीज़ें होती चली जाएंगी, जिन चीज़ों का जो सोल्यूशन दिया है आप सही रास्ते के ऊपर निकलती चली जाएंगी। ये नेक्स्ट है तवक्कल अल्लाह, हमारे यहाँ भी इसका भी बड़ा मफहूम उर्दू के अंदर गलत होता है, तवक्कल का मतलब है अपनी ड्यूटी कंप्लीट, जितनी पूरे जो उसके तकाजे हैं उसके साथ पूरी कर दीजिए, फिर भी जरूरत पड़ जाएगी आपको। आपने एक स्टूडेंट ने सब कुछ किया, बड़ी मेहनत से किया, साल भर पढ़ा था, आखिरी दिनों में नहीं पूरे साल तैयारी की थी, उसको कॉन्फिडेंस है कहीं से कुछ आ जाए 100%, एग्जाम पहला दिन है, लेट हो सकते हैं, सीट ढूंढने में देर हो सकती है और मुख्तलिफ जगहों पर, तो आधे घंटे पहले पहुंचूंगा, सुकून से, दिल में घबराहट नहीं है,
घर से निकला, जा रहा था बाइक से, वक्त से पहुंच रहा है, सब कुछ तैयारी थी, तो वो तो ही वो थे, ये टॉपर मटेरियल, ऐसा 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 बच्चा साइड से गली से लेन से देखते थे, बाइक आई धाड़ से मर गई, इस पर उसका कंट्रोल नहीं था, इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, एहतियात भी नहीं कर सकता था, ये अल्लाह का फजल सिर्फ रोक सकता था उसे, वो अल्लाह का फजल नहीं हुआ तो ये हो गया। यहाँ पर फजल आता है अल्लाह जो अपने अमल का नतीजा भी नहीं होता, लेकिन वो अमल जरूरी है, लाजमी है, उसके बगैर फिर तवक्कल नहीं होता। तवक्कल क्या होता है? अल्लाह को वकील बनाना, ये वकील और तवक्कल ये एक ही है, वह तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पे तवक्कल करो, कफा बिल्लाह वकीला, फिर अल्लाह ही तो काफी हो जाएगा ना वकील। किसी केस में इस मुल्क के सबसे बड़े लॉयर को आप एंगेज कर लीजिए, बड़ा इत्मीनान होगा कि इन्हें कर लिया, ये बहुत सेटिस्फेक्शन होगा, ये सबसे ये मोस्ट रेप्यूटेड लॉयर, चाहे बात को इनसे कुछ गड़बड़ भी हो जाए लेकिन बड़ा फेथ होगा। इस मुल्क के या यहाँ के किसी बड़े लॉयर को आप रख लेते, बड़ा इत्मीनान हो जाता है केस उसके हवाले करके, अल्लाह के हवाले करके इत्मीनान नहीं होगा। लेकिन वकील केस ऐसे नहीं लेता, वकील के कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या लाइए, नहीं लाइए जो चाहे दुनिया का सबसे बड़ा वकील हो कहकर जाइए मेरे पास से, केस नहीं ले सकता आपका, ये फ्रॉडस्टर ले लें तो ले लें, अच्छा वकील नहीं लेगा। आपको बहुत से रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी है, क्या क्या पेपर्स मांगे, क्या क्या चीजें, वो सारी पूरी कर दीजिए, सारी दे दीजिए, अब मुतमईन हो जाइए कि ये वकील साहब बहुत बड़े बहुत काबिल हैं, अल्लाह को वकील बना लें, लेकिन रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दें, उसके बगैर केस ही नहीं लेगा आपका। और फिर अल्लाह को बना लिया वकील, तो मुमकिन नहीं है कि आप कोई केस हार जाए, किसी जगह किसी स्टेप पे कोई केस नहीं हारे, ये तवक्कल है, उसे वकील बना ले, लेकिन रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी, रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे ना, हमने वकील बना लिया, आप समझ रहे हैं वकील बना लिया, अल्लाह ने केस ही नहीं लिया आपका, ऐसा मत होने दीजिएगा। अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फतह फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, बादशाही तो उसी की है, फैसले उसी के चलेंगे, इसलिए जिसके फैसले चलेंगे, जो फैसला करने वाला है जज, ये तो उसको वकील बना लिया, अब इससे आगे क्या होगा, वतवक्कल है कैसा वकील, हमेशा से है, बड़े तजुर्बा है उसका, बड़ी लंबी उम्र का तो तजुर्बा बहुत है, बड़े पुराने सीनियर हैं, अरे पुराने सीनियर नहीं है, दुनिया के पहले इंसान से पहले से हमेशा से चला रहा है, वो है, जानता है सब कुछ, इल्म है, पुराने सीनियर होते दर उसकी स्टडी ज्यादा होती है, और वो हमेशा जिंदा है, बड़ा वकील कर लिया था, थोड़े दिन बाद बेचारे गुजर गए, अब ढूंढ रहे हैं, अब इसी को दूसरा समझेगा, ऐसे टैकल करेगा, वो किस अप्रोच से जा रहे थे मालूम नहीं, करेगा नहीं करेगा, वो जाने ही था ना, सीनियर थे तो उम्र भी ज्यादा थी, गुजर गए। वो तवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत, वकील उसे बनाओगे जो हमेशा से है, उसे मौत नहीं आती, जिंदा जिंदा खुदा को उसे वकील बनाना, और वो अजीज़ुर तवक्कल अलल अज़ीज़ुर रहीम, उसको वकील बनाया तो वो ताकत भी है उसके हाथ में, खाली इतना ही नहीं है कि सब कुछ जानता है, रहीम भी है, तुमने जो कुछ सबमिट किया है, जो उसने कहा था, उसका सिला भी मिलेगा तुम्हें, और वो उस अंजाम तक ले जाएगा जो तुम्हारे लिए अच्छा अंजाम है, उस पर तवक्कल कर लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आखिरत की याद बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरत की याद सुनने में बड़ा ऐसे होता ना कि आम बहुत सी तकरीरें होती हैं तरह तरह की, भाई ये भी मानना, ये भी मानना, भाई आखिरत को भी मानना चाहिए, याद से मतलब है, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़्यादा से ज़्यादा याद रखो, इसीलिए कहा कब्र, जाए अपनी मौत को याद करो, आखिरत को याद करो। असल में आपको दुआएं दे दी जाती हैं, और करिए, अच्छी बात है दुआ करना, अब वो दुआएं वजीफे की तरह चल रही हैं, दो साल से चल रही हैं, तकलीफें ख़त्म नहीं होती, तीन साल हो गए ज़मीन में घुस गए, मसाइल हल नहीं होते, तकलीफों पर तकलीफें बढ़ती चली जा रही हैं, हम वो दुआ कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं इस दुआ से तो हो ही जाता है, बाद सजी से माता कि इस दुआ से तो नुकसान ही नहीं पहुँचेगा, और वो फंसते चले जा रहे हैं। और ये वो तीन साल अगर गुजर गए कयामत मालूम होते हैं, ये नहीं सोचा कभी कि अगर एवरेज लाइफ अगर अब तो ऊपर होने लगी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, 60 साल से तो ऊपर की होती है, 70-80 साल तक पहुंच जाते हैं अक्सर लोग, तो ये तीन साल तकलीफों के गुजरे, उस वक्त की बात है जब 60 साल के थे या 50 साल के थे, चलिए 40 ही साल के थे, तो ऐसी तकलीफों के वो
बाकी इससे पहले के 37 ईयर्स तो नहीं गुजरे थे, अच्छे गुजरे थे, वो सब एक तरफ। और इसकी परेशानी है कि ये होता ही नहीं, क्यों, क्या नहीं हो रहा। और असल बात यह कि था आपकी गलतियों की वजह से जो हो रहा था, आपके अपने को या अमल की गलती से या फैसलों की गलती से। बर्दाश्त नहीं होती तकलीफें थोड़े से दिनों की, खूब करते हैं आप बर्दाश्त, किसी दूसरी फील्ड में करते हैं आप, ऐसे यहाँ पर बिजनेसमैन होंगे बहुत, और बाकी और दूसरे लोग बिजनेसमैन को जानते होंगे, उनकी ज़िंदगी को जानते होंगे जो दूसरे हैं। मैंने खुद किया है, मैं उन जगहों पर सोया हूँ जहाँ जीप में लेकर जा रहे हैं, जंगल लिया था बहुत दूर तक कई 100 किलोमीटर का, और उसमें लेबर सब जगह पर लगी हुई थी, 6-6 दिन लगते थे राउंड लेकर वापस आने में, चलते थे चट्टानों के ऊपर, वहीं पर किसी जगह रात को जीप फुल भरी होती थी, साथ में बारदाना हो क्या क्या सामान होता था, कुछ रखने का सामान नहीं, पानी रख लेते थे साथ में, पानी तो बहुत जरूरी था, वो पानी मिलता नहीं था, फिर पानी ख़त्म हो जाता था, अब देख फिर रात को वहाँ से सचमुच जिसे कहते हैं ना बोरिए में सोना, वो जो बारदाना ये टाट का वो बोरिया निकाला चट्टान पे, भाई 2 ही घंटे लेटना है, साफ की चट्टान पे बिछाया सो गए, फिर 2 घंटे बाद उठ के नहीं आगे जाना है, नुकसान हो जाएगा अगर जल्दी नहीं पहुँचे तो, सारे एरिया कवर करना है, जहाँ पे कभी किसी सराय पे सो गए, किसी घटिया से खटपलों के चारपाई पे, किसी जगह बड़ी गंदी सो गए, पानी मैंने ऐसी जगहों का पिया जहाँ कीड़े तैर रहे हैं, ब्राउन कलर का पानी नहीं है तो पीना पड़ेगा सबको, रुमाल से छाना पी लिया, इसलिए किया था कि पैसे मिलेंगे, मुनाफा होगा, अपनी मर्जी से किया था, कोई शिकायत किसी से नहीं, इस जिंदगी की किसी से कोई शिकायत नहीं की, और फिर नुकसान हो गया। तो इसके बाद तो सोचा ये था कि इससे नफा होगा, यहां पर आप में से ये बिजनेसमैन जो है खाना नहीं मिलता खुद छोड़ देते हैं, कहा जा रहा है खाना खा लीजिए, यहाँ खा लेंगे खत्म, खाना भी गया वो भी गया, याद ही नहीं आया खाना खाया नहीं था दोपहर को, अपनी मर्जी से पता नहीं कितने खाने जो है वो साल में कितने एवरेज बैठता होगा जो छोड़ दिया करते होंगे, किसी से शिकायत नहीं। मैं बार बार अपने आप को अपनी तरबियत के लिए रिमाइंड कराता रहता हूँ, कभी अगर ऐसा हो जाए, अभी तो अल्लाह ने बहुत दिया है, कभी ऐसा हो जाए कि हमारी इस्तेदाद न रहे, घर में पैसे नहीं होने की वजह से एक वक्त का खाना घर में न पके, शायद मैं सोचता हूँ शायद मैं बड़ी चीखें मारूंगा, सबसे कहूँगा ये हालत होगी आज हमारे घर चूल्हा नहीं जलाए, और अपनी मर्जी से उसके अंदर एवरेज मैंने 20 साल ये किया है, एवरेज ऑन एन एवरेज औसतन महीने में 10 दिन एक वक्त की रोटी तो कम से कम नहीं खाई, कभी कभी दोनों वक्त की नहीं खाई, और खुश थे। ये सोचने का अंदाज है खाली, ये तकलीफें सेकंडों में गायब होती, ऐसी मेरी हुई, ऐसी आपकी होंगी, ऐसी बहुत से और लोगों की हो गई खाली जरा सी देर की काउंसलिंग से, ये क्यों होता है और कैसे गायब हो जाएंगी। आप दुनिया की जिंदगी को आइसोलेट करके सोचते हैं पूरी जिंदगी से, बाकी जो जिंदगी है टोटल लाइफ से इसको आइसोलेट करके सोचते हैं। अब आप तकरीरों में बताया जाता है, किताबों में लिखा है कि जिंदगी बड़ी छोटी है, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, मुख्तसर लगती नहीं, वो 3 साल ही पहाड़ लग रहे थे, जिंदगी मुख्तसर नहीं लगती, ये झूठी बात जबान से कहते रहते हैं, यानी अपने यकीन के हिसाब से मानते रहते हैं बड़ी छोटी है, कोई चीज़ ना छोटी होती है ना बड़ी, ये तो इजाफी कंपैरेटिव रिलेटिव बात है छोटा बड़ा होना, कि भाई यहाँ से दिल्ली गेट करीब है या दूर है, तो ना करीब है ना दूर है, कह ही नहीं सकते हम, यहाँ से फरीदाबाद उसके मुकाबले में दिल्ली गेट करीब है या दूर है, तब होगा कि करीब है या दूर है, अरे बहुत करीब है भाई, ये तो बिल्कुल निकल के फौरन यहीं पर है, तो फरीदाबाद तो बहुत बड़ी दूर जाकर पड़ जाएगा, तो ये रिलेटिव है, जब तक हम उससे कंपेयर नहीं करेंगे वो फासला कम नहीं होगा। और यहां से निकले आप 4 कदम पे कोई लैंडमार्क ले लें कि वो करीब है तो दिल्ली गेट दूर है, ये दुनिया की जिंदगी छोटी नहीं लगती जब तक आप आखिरत के साथ में इसको जोड़कर पूरी जिंदगी के बारे में नहीं सोचते कि वो जिंदगी जो आ रही है वो 10 साल 20 साल 1000 साल 1,00,000 साल 10,00,000 करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब ट्रिलियन, फिर उसके बाद फिर गिनतियाँ हमारी ख़त्म हो जाती है जहाँ बोल नहीं सकते, गिनतियों को आगे जहन में तसव्वुर भी नहीं आता कि ये कितना हुआ, अगर सिफर 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 लिखते हैं बहुत से तो वो उससे भी आगे इनफाइनाइट, आपका इनफाइनाइट जो आपका इनफाइनाइट का तसव्वुर है वहाँ तक आपकी ज़िंदगी है। इनफाइनाइट लाइन क्या, ये मैथमेटिक्स का उसूल है, यहाँ पे किसी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से पूछ लीजिए कि करोड़ों अरबों से तकसीम करें आप इनफाइनाइट को लाइन इंतहा को, तो उसका लाइन इंतहा से तकसीम करें आप करोड़ों अरबों खरबों को, तो रिजल्ट इज इक्वल टू 0,
वन अपॉन इनफाइनाइट रिजल्ट जीरो, 10 खरब अपॉन इनफाइनाइट रिजल्ट इज इक्वल टू जीरो। तो हर चीज के मुकाबले में वैल्यू जीरो, उसके मुकाबले में आखिरत के मुकाबले में जो ला इंतहा है, इस दुनिया की वैल्यू लेंथ लंबाई जीरो, ये छोटी लगेगी ही नहीं जब तक आप उसकी वसत ध्यान में नहीं लाएंगे कि वो इनाम की दुनिया जहां हमें पहुंचना है वो हमारा टारगेट, फिर भी तकलीफें नहीं लगेगी। है कितने दिन की बात, फिर आपकी एफर्ट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगी, हुई हैं लोगों की, सोचने का अंदाज बदलिए। और मोमेंट्स में आती तब्दीली, एक ये तब्दीली एक लम्हे में आती है, बास के लिए बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये सोच का अंदाज बदलिए, सब मुसीबतें खत्म, मुसीबतें खत्म, टेंशन खत्म, न खौफ न गम। मसाइल रहेंगे, चैलेंजेस का सामना करते रहेंगे, उसे सब्र कहते हैं, ये करते चले जाएंगे, उसे टेंशन नहीं होगा, ये गुजर जाएंगे कुछ दिन में, फिर उसके बाद फिर पहले भी खुशियों की जिंदगी थी और आगे तो कामयाबियों की है अगर हम सही उसूलों पर अमल कर रहे हैं। ये है आखिरत की याद। बनकाना, ये दो बड़ी अहम आयतें हैं सूरह बन इसराइल की, सूरह इसरा भी कहते हैं, 18 और 19, असल में सीक्वेंस है 18, 19, 20, 21 तक है, लेकिन ये दो, मनकाना युरीद आजलता आजलता जलना लहूफिया मा नशा लिमन नुरीद, जिसने आजला शॉर्ट टर्म गेन, उजलत वाला, अब हम मैंने कर देते हैं इस दुनिया की जिंदगी तर्जुमा कर लीजिए, वो भी है शॉर्ट टर्म, लेकिन असल जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि वनकाना युरीद आजला, जिसने शॉर्ट टर्म गेन की उजलत वाली गेन्स चाहे, फायदे चाहे, मफाद चाहे, अजलना लहू फीहा, हम दे देते हैं जल्दी ही दे देते हैं, मा नशा लिमन नुरीद, हर एक को नहीं, बहुत को दे देते हैं, जिसको चाहे जितना चाहे दे देते हैं, जल्दी दे देते हैं, लेकिन रिजल्ट आखिर में क्या आता है, लॉन्ग टर्म जालना लहू जहन्नम, फिर सुलगता रहता है, फिर सिसकता रहता है, उसके लिए जहन्नम है, यसलाहा मज़मूमा मदहूरा, उसके अंदर जो है वो जहरीलो ख्वार होने के बाद जो है वो फिर जलता रहता है, उस आग में जलता रहता है। ये दुनिया की आग की बात है, ये है जल्दी की बात। जब हम इसका तर्जुमा दुनिया करेंगे तो फिर दुनिया के मुकाबले में वो आखरत होती है जो इस दुनिया के बाद आएगी। तो मैं जालना लहू जहन्नम यसलाह मज़मूमा मदहूरा, तो अपनी रहमत के रब की रहमत से धुतकारा हुआ उसके अंदर जो है वो दाखिल किया जाएगा, उसके लिए फिर जहन्नम हमने तय कर दी। वमन अरादा अलआखिरत, अब शर्तें भी हैं कुछ साथ में, लेकिन जिसे लॉन्ग टर्म गेन का इरादा किया, याद रखिएगा जब दुनिया और आखिरत की बात आती है, रब्बना आतना फिर दुनिया हसन हो फिर आखिरत हसन हो, तो आखिरत इस दुनिया के बाद वाली मुराद होती है। और जब जैसे वला आखिरत खैरुल्लका मिन अलूला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे पिछले दौर से अगला दौर बेहतर होगा, आखिरत लफ्ज आया है, आपका हर आइंदा लम्हा इस लम्हे की आखिरत है, बात का दौर। तो मन अरादा आखिरत, जिसने बात की सोची लॉन्ग टर्म गेन की, मुस्तकबिल के लिए, इस वक्त तकलीफें होंगी, इस वक्त कुछ कोशिशें होंगी, अभी ही कुछ हासिल कर लें, ग्रैब कर लें, वो नहीं, बस अब शर्त है, बस सया उसके लिए जैसी कोशिश होनी चाहिए वैसी कोशिश का हक भी अदा किया, ऐसे ही नहीं, एक और शर्त है, वह हुआ मोमिन, वो इस उसूल पर ईमान भी रखता हो, इस उसूल को, इस जाब्ते को मानता भी हो कि इसके अच्छे गेन्स मिलेंगे और हम उसूलों के मुताबिक कोशिश करते चले जाएं जो कायनात में अल्लाह ने रखे हैं, फौलाए का गाना सायु मशकूरा, पूरी पूरी कदर की जाएगी अल्लाह की उस ऐसे कोशिश की जो लॉन्ग टर्म गेन, चाहे आप लॉन्ग टर्म गेन चाहते हैं या शॉर्ट टर्म गेन का, बर्बाद हो जाओगे बात, अभी दे भी देंगे इसलिए उसके लिए कोशिश कर रहे हो, और लॉन्ग टर्म गेन चाहते हो तो यहाँ कुछ आएंगी तकलीफें वो जो सही के अंदर, लेकिन वो महसूस नहीं होंगी जब ये जहन में रखेंगे कि वो जिंदगी कितनी लंबी आ रही है, हम तो काम उसके लिए कर रहे थे, वो करते हुए यहाँ के भी मसाइल से जूझ रहे थे, इंशाल्लाह नहीं होगी। ये एक मोमेंट में जाती है, एक लम्हे में सिर्फ सोचने का अगर अंदाज बदल ले, बल तो सिर हयात दुनिया, तुम ये दुनिया और आखिरत ही है, ये दुनिया और वहाँ की बात है, तुम यहाँ की जिंदगी को तरजीह देते हो, वाला आखिरत खैरूँ बाबा, वो तो रहेगी हमेशा बाकी रहने वाली। और फिर ये लास्ट, मुझे मालूम नहीं 15 मिनट्स का जो मैंने मार्जिन लिया था बता दीजिए, मैं तो इसको भी मैं जल्दी खेल देता हूँ, है तो ज़रा ज़्यादा, नमाज में ज़बानी बता देता हूँ, लेकिन नियत को तो देख लें, नियत आप लोग करते हैं करती हैं, ये सिखाई गई आमतौर से ज़्यादातर, नियत करता हूँ करती हूँ, वो 4 रकात नमाज जोहर की, और जो मर्द हैं वो पीछे इस इमाम के मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के, अल्लाह अकबर, नियत दिल में होती है, नियत मुँह से कहनी ज़रूरी नहीं होती, कोई भी नियत हो आपकी किसी भी चीज़ की, इस पर इत्तेफाक है सबका, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये तो दिल में नियत होती है, जो जोर की नमाज को जा रहा है या जा रही है या अपने घर में पढ़ने जा रही है, उन्हें पहले से मालूम है कि 4 रकात पढ़ेंगे 2 नहीं पढ़ देंगे,
उन्हें मालूम है कि असर की नहीं पढ़ देंगे, उन्हें मालूम है कि अल्लाह के लिए होगी, उन्हें मालूम है कि काबे की तरफ मुंह होगा। तो ये तो पहले से मालूम है, ये नियत तो जब वजू कर रहे थे जब भी थी, ये जिस वक्त नहीं हुआ था तब भी थी कि जोर की नमाज के लिए जाएंगे। कुरान इसकी नियत है, नमाज की असल नियत जरूरी नहीं कि आप अरबी में याद करें, मफहूम याद रख लीजिएगा। इन्नी वजह तो वजह लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। शिर्क की बात भी एक आ गई इसके अंदर। मैंने अपने आप को सब तरफ से काट कर हनीफा, सबसे काट कर यकसू कर लिया, अपनी जात को इन्नी वजह तो वजिया उसकी तरफ, उस जात की तरफ, फतर समावाते वल अर्ज़, जिस जो इस एक सिस्टम आसमान तक नहीं, जिसकी अभी एंड इनको कहीं नहीं मिला, जिसे ये यूनिवर्स कहते हैं, जिसका एंड इनको अभी तक नहीं मिला है, आसमान दुनिया इसके ऊपर जहां छह सिस्टम और है सात, जो सातों आसमान और जमीन को जो जिससे नहीं थे वजूद में ले आया, जो मौजूद था उनका, वो जात मैंने इस वक्त उसकी तरफ रुजू किया है, अपनी तवज्जो को मरकूज किया है सबसे कटकर। वमा मिनल मुशरिकीन, अब शिर्क की बात आपने कोई तफहीम थोड़ी नहीं थोड़ी यहाँ पर, इसके का कोई क्या मतलब है, और मैं शिर्क नहीं करूँगा या नहीं करूँगी यहाँ पर, इसका मतलब इस नमाज में अब कोई और नहीं आएगा, जब सबसे कटकर इधर तवज्जो कर ली, अब नहीं आएगा कोई, उस नमाज का शिर्क हो जाएगा इस नियत के साथ में। ये नियत आपको करनी ज़रूरी है नमाज के लिए, अरबी में मत कीजिए, अपनी जबान में कर लीजिएगा, लेकिन नियत तो ये है, तब नमाज शुरू होगी। यहाँ तो लोगों के बड़ी अक्सरियत की नमाज नियत शुरू भी नहीं होती, नमाज खत्म हो जाती, शुरू ही कहाँ होगी बगैर नियत के। और वो मैं नहीं कहता उसके कुछ फायदे नहीं है, कुछ हैं, लेकिन असल फायदे बहुत बड़े, बहुत बड़ा हिस्सा फायदों का वो तो गायब खत्म हो गया। आप प्रैग्मेटिक टेस्ट देख लीजिए, वो उसे कहते हैं कि हमने बताया जाता है ये करोगे ये हो जाएगा, ये दवा खाओगे ये मर्ज दूर हो जाएगा, इतनी मेहनत करोगे इतने घंटे ऐसे अगर अपना रिवीजन करोगे तुम्हारे अच्छी परसेंटेज आएगी। तो वो अच्छी परसेंटेज आना या मरीज का सेहत याब हो जाना इस बात का सबूत होता है वो जो कुछ पहले कहा गया था, इसको कहते हैं प्रैग्मेटिक टेस्ट। कुरान हर जगह हर चीज का, जो जिसका भी कुरान ने अमल करने को कहा उसका प्रैग्मेटिक टेस्ट देता है। नमाज का भी दिया, इन सलात तन्हा अनिल फाहिशा वल मुनकर, नमाज तुम्हें सारी फाहिशात और अल्लाह के नाफरमानियों से रोक देगी। ये नहीं कि नमाज पढ़ते हो जरा शर्म करो रुक जाओ, नमाज रोक देगी। अब 20 साल से कहते हैं पाबंदी से नमाज पढ़ रहे फला साहब, अरे हमारी आंखों ने देखा, पड़ोसियों की आंखों ने देखा, पांचों टाइम वक्त मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं, बहुत बड़ा निशान भी है माथे पर, और पांचों वक्त मस्जिद में हम गवाह हैं। पड़ोसी का हक भी मारते हैं, गालम गलौज भी हो जाती है, मामलात में जगह जगह दिक्कतें हैं और परेशानियां हैं, कभी बहनों का हिस्सा भी दे जो है वो दबा रखा है, ये तरह तरह की चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं। पाँचों वक्त के पक्के नमाजी, उनकी नमाज से उनको नहीं रोक सकी, जिसे वो नमाज कह रहे थे पड़ोसी गवाही दे रहे हैं कि पाँचों वक्त का पक्का नमाजी है 20 साल से, और अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह ने कहा कि नमाज इसको रुकना चाहिए नहीं, नमाज रोक देगी इनसे, अगर नहीं रोक सकी है तो वह नमाजें नहीं थी 20 साल तक। मैं कोई फतवा नहीं दे रहा है, तो आप अल्लाह के कानून और अल्लाह ने जो कुछ बताया उसे कंपेयर करके देख लें। आपकी ज़िंदगी में हर एक की जो पाबंद नमाजी है, मैं दूसरों से नहीं कह रहा जो पाबंद नहीं है, जो पाबंद नमाजी है उनकी ज़िंदगी लगातार इंप्रूव होती चली जा रही है, रुकी तो नहीं है, बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है, नहीं होती चली जा रही, नहीं हो रही तो फिर नमाजों को सोचिए कि कहाँ कमी है। टेस्ट तो अल्लाह ने यह दिया था, कहीं तो कमी है। बात तो पहले यह है कि अल्लाह से जुड़े नहीं, राबता नहीं हुआ। जब गए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेराज पे तशरीफ ले गए थे, अल्लाह के करीब तरीन दर्जे तक जब पहुंचे थे, वहां से वापस आए, नमाज लाए थे, कहा तुम्हारी मेराज लाए, तुम भी यानी मेराज में अल्लाह से मुझे तुम्हारी मुलाकात लाए हूं, आप में से कितनों की होती है, मुलाकात नहीं हुई तो नमाज क्या हुई, राबता नहीं हुआ तो नमाज क्या हुई। आपने हाथ बांधे, उस वो नियत के बाद वो नियत करती हूँ, मैं करता हूँ 2 रकात या इतने रकात नमाज, उसके बाद इमाम साहब की मान लिया जहरी नमाज अकेले चल रही है, और आप जो हैं वो अपने सोच रहे हैं कि ये फला जगह ये देर से तो नहीं दिया था, चलिए 15 मिनट और ज़िंदगी का कुछ हिस्सा बढ़ गया। तो मैं ये नमाजें जो हैं ये
आपकी जो है इन चीज़ों से नहीं दूर कर पा रही हैं, आपको आपको नहीं रोक पा रही। तो असल बात तो मैंने कह रहा था कि रबते में थी, किसके लिए नमाज पढ़ी थी, उससे रबता हुआ था या नहीं हुआ था, आप दूसरी सब जगहों से कटे थे या नहीं कटे थे, उधर इमाम साहब जो है वो उन्होंने शुरू किया कुछ और इधर आपकी अपनी कहानियाँ अपने घर की कामयाबी और नाकामी की दास्तान वो सब दिमागों में चल रही है, बहुत बुरी बुरी बातें भी चल रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी चल रही हैं, वहाँ नहीं मौजूद हैं। अब आता है अल्लाह अकबर, जल्दी से झुक गए, मालूम है इस वक्त झुकना था, इसके लिए ट्रेंड है, समय अल्लाह लिमन हमीदा और नमाज पूरी हो गई, अस्सलाम वालेकुम। पूरी नमाज में ख्याल ही नहीं आया कि अल्लाह के सामने मौजूद थे। कुरान ने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अंताब, यह हदीस का ही छोटे से मैं दो टुकड़े ले रहा हूँ, ये हुजूर ने तरकीब बताई थी, मैं फलसफा नहीं बगाड़ रहा, बंदगी का हर मजर और नमाज बेहतरीन है। इन अंताबदुल्लाह, बंदगी ऐसे करोगे या करोगी कान्ना का तराह, गोया के कान्ना का, ये इमेजिन करना, यह है मेडिटेशन, ये इमेजिन करना जैसे कि तुम उसे देख रहे हो। अब देखने का तसव्वुर कैसे करें वो जिसकी कोई गैर मुजस्सम शक्ल सूरत नहीं है, मुमकिन नहीं होगा ना। जब अल्लाह ने कहा है होता होगा कुछ लोगों के लिए मुमकिन, कि गैर मुजस्सम होने के बावजूद देखने का तसव्वुर कर लें, देखें नहीं, देखने कान न का देखने का तसव्वुर कर लें, लेकिन बड़ी भीड़ का नहीं होगा, कह दिया नहीं होगा। फैलम तकुन पड़ा, तुम नहीं कर पाओगे ना, नहीं देख पाओगे देखने का। जब ये नहीं कर सको फैनहू यरा, फिर तुम अपने ध्यान यहां से शुरू करना, अपना मेडिटेशन यहां से शुरू करना, नमाज मेडिटेशन है, अपना मुराकबा यहां से शुरू करना, नमाज मुराकबा है यहां से शुरू करना, सब तरफ से कटकर किसी एक तरफ मुतवज्जे हो जाने को मुराकबा कहते हैं, इसी मेडिटेशन कहते हैं आज की जबान में, इसे ही जो है वो ध्यान कहते हैं आज की जबान के अंदर। तो जब सब तरफ से अगर वाकई कटे थे या कटी थी तो फिर उधर तवज्जे करें, और तवज्जे करने के बाद उधर है सारी तवज्जे, अब वहां से फिर अल्लाह का पैगाम आ रहा है, आपको मालूम है कलामुल्लाह है, ये तो मालूम है, ईमान भी है, लेकिन एक पेनेट्रेटिंग आवाज एक आ रही है और आपको तर्जुमा, आपको मतलब भी मालूम है कि क्या कहा जा रहा है। यकीन मानिए ये महसूस होता है अल्लाह डायरेक्ट आपसे कह रहा है, डायरेक्ट अल्लाह, बीच में मीडियम है, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म आ रहा है। ऐसे माहौल में जब वो कोई इंप्रेसिव आवाज हो पेनेट्रेटिंग और आप ट्रांस में जा चुके हो, ट्रांस में आना कहते हैं सब तरफ से कट के एक तरफ मुतवज्जे होना, तो ऐसे माहौल के अंदर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिलीफ बनती चली जाती है वो चीजें जो आ रही हैं, तो फिर जिंदगी ढलती चली जाएगी उस सांचे में। इस पर बहुत लंबी तकरीर है मेरे, बहुत लंबे मौजू में मिसालों के साथ में, सबूतों के साथ में लिंक दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा, यहाँ वक्त नहीं है। ये एक नमाज पूरी जिंदगी को सही कर देगी, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, बिल्कुल बदल देगी, क्रिएटिविटी आएगी, इतने फायदे हैं कि बिल्कुल उसे गिने नहीं जा सकते। खाली वो फायदे गिना दूं मैं, उसमें तसव्वुर ये अपने आप के साथ में एहसास हो जाता है कि हर जगह अल्लाह साथ है, अल्लाह साथ है तो मुझे डर किस बात का, वो सब भी हो जाता है। है क्या क्या इसे, फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ग्रीफ, डिप्रेशन, अनसर्टेनिटी, निगेटिविटी, ये खत्म हो जाएगा अगर आपका अल्लाह से रबता रह रहा है, और ये एहसास फिर कायम हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, हो जाएगा, खुद हो जाएगा अगर उसके अंदर रबता लगातार रहा है कि वो तो साथ में है मेरी, इतनी बड़ी पावर के साथ होने का जब एहसास होगा, और जो चीज़ें पैदा होंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन और पीस ऑफ माइंड, और क्या चाहिए, खाली एक नमाज से भी हो जाएगा। कम से कम वो तो शुरू कीजिए जितने मैंने बताए, जो चीज़ें बताई हैं तो।